जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज की इस ब्रीफ वीडियो का पर्पस इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू सेशन ऑन प्रेसीज एंड कॉम्प्रिहेंशन फ्रॉम 16 फेब को दो सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, एक प्रेसीज एंड कॉम्प्रिहेंशन का और दूसरा पाकिस्तान अफेयर्स का। मेरी और मेरी टीम की पूरी कोशिश है कि जितने भी सेशन हों, क्योंकि अब हमारा फिजिकल सेटअप भी हो गया है, तो पहले क्लासेस ऑनलाइन हुआ करती थी, तो नाउ वी आर ऑल्सो टेकिंग फिजिकल क्लासेज एज वेल। सो इन कमिंग डेज वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस एवरी कंपल्सरी सब्जेक्ट एंड ग्रेजुअली वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एज वेल। सो मेरी पूरी कोशिश है कि यहाँ पे आपको जो भी चीज़ मिले, जो भी फैकल्टी हो, इंतहाई सन्सेयर, इंतहाई मुखलिस, लेस कमर्शल, मोर प्रोफेशनल सन्सेयर और लेस एक्सप्लॉयटेटिव तरीके से हमने चीज़ों को लेके चलना है। और पहले की तरह तमाम सेशंस को मजीद से मजीद तर प्रोडक्टिव बनाने का कॉज है। थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि हमने प्रीवियस सेशन को कैसे लेके चलना है, क्या ब्रेकअप ऑफ क्लासेस है, ताकि स्टूडेंट्स को ग्राउंड रियलिटीज़ पता हों और ताकि उनकी डे वन से उनकी जो है वो स्ट्रेटजी उस हवाले से क्लियर। Let's try to understand this. प्रेसी का जो न्यू सेशन होगा हमारा, इसकी जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के हवाले से डेढ़ माह का ये सेशन होगा। जितने भी हमारे सेशंस होंगे वो डेढ़ माह के सेशन होंगे, ठीक है। पहला महीना हम पढ़ाएंगे और जो लास्ट 0.5 मंथ है या हाफ मंथ है, तो उसमें देर विल बी मॉक्स एंड टेस्ट्स। प्रेसी के हवाले से 3 डेज अ वीक क्लास होगी, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। टाइमिंग्स होंगी 6 PM to 7:30 PM। प्रेसी के लिए जो सोर्सेज हमने इस्तेमाल करने हैं, मैक्सिमम कोशिश है कि क्वालिटी इंश्योर की जाए और उन चीज़ों से चीज़ों को कवर किया जाए, उन सोर्सेज से कवर किया जाए जहाँ से मैक्सिमम आपके कोर्स डिज़ाइन होते हैं, पेपर्स डिज़ाइन होते हैं। सबसे पहला जो हमारा सोर्स होगा वो होगा आर ढिलन। आर ढिलन एक इंडियन सिविल सर्विसेज की बुक है एंड टू प्रेसीज तारीख में पाकिस्तान के सिविल सर्विसेज में 2 प्रेसीज ऐसी हैं जो कि आर ढिलन बुक में से आ चुकी हैं। सो इनिशियली वी विल यूज दिस आर ढिलन एज अ रेफरेंस बेस। यहाँ से हम कुछ इनिशियल प्रेसीज करेंगे। जब स्टूडेंट्स की कुछ बेस बन जाएगी आर ढिलन से, तब हम मूव करेंगे रेन एंड मार्टन। एक बहुत अच्छी बुक है, इसमें से भी पास्ट पेपर्स में सीएसएस में कुछ प्रेसीज आ चुके हैं। सो यहाँ पे हम अपनी मजीद अपनी बेस को रेन मार्टन पे मजीद अपनी बेस को कंसोलिडेट करेंगे। जब हमारी बेस अच्छी हो जाएगी, मेच्योर हो जाएगी, देन वी विल मूव टू द पास्ट सीएसएस एंड पीएमएस पेपर्स। मैक्सिमम हमने पास्ट सीएसएस और पीएमएस पेपर्स करने हैं ताकि स्टूडेंट्स का फोबिया ब्रेक हो और ज्यादा से ज्यादा उनको जो है वो चीज़ें एग्जाम फ्रेंडली हों और ये जो एक मिथ बना होता है प्रेसीज का, कॉम्प्रिहेंशन का या ट्रांसलेशन का, ये तमाम चीज़ें एड्रेस हो जाए। और उसके बाद हमने कुछ प्रेसीज इंडियन सिविल सर्विसेज से भी करनी है ताकि आपकी एक फाइनल कैपिंग हो कि बहुत ज़्यादा एक मिथ प्रिवेल करती है या बहुत ज़्यादा एक कॉन्सेप्शन प्रिवेल करती है कि इंडियन सिविल सर्विसेज बहुत डिफिकल्ट होते हैं। मैंने ऑलरेडी बच्चों को कुछ प्रेसीज करवाई हैं इंडियन सिविल सर्विसेज से, दीज आर नॉट दैट मच डिफिकल्ट। So just in order to remove all the fears of the precis and in order to create wider understanding of precis, we will use these multiple sources. और इनमें से जो ये वाले sources हैं पहले तीन, ये तो ऐसे sources हैं कि जिसमें से आपसे maximum past papers में आ चुकी हैं। So पूरी कोशिश है कि quality को बहुत अच्छा ensure किया जाए। अच्छा, उसके बाद sources for comprehension, comprehension के साथ कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कह रहे कि बदसलूकी करते हैं या इसको इतनी ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं देते। ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड कि कॉम्प्रिहेंशन इज एज इम्पॉर्टेंट एज प्रेसीज। इफ यू फेल इन द कॉम्प्रिहेंशन, यू आर नॉट गोइंग टू पास दिस एग्जाम। सो कॉम्प्रिहेंशन के लिए ज्यादातर हमने जो सोर्सेज इस्तेमाल करने हैं, पास्ट पेपर्स, सीएसएस के मैक्सिमम हमने कवर करने हैं। हमने कुछ पैराग्राफ्स करने हैं विल ड्यूरेंट की बुक से। विल ड्यूरेंट वो बुक है जिसमें से पास्ट कॉम्प्रीहेंशन काफ़ी सारी आ चुकी हैं। सो हम इस बुक को रेफरेंस के तौर पे भी इस्तेमाल करेंगे कि हो सकता है कि जो हम कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं, मे बी वो इसमें से आ जाए, या पहले जो मैंने आपको प्रेसीज के लिए सोर्सेज बताए हैं, मे बी उनमें से कोई प्रेसी आ जाए, तो मैक्सिमम हमने वहाँ से कवर करनी है ताकि अगर वो प्रेसी आ भी जाए या कॉम्प्रीहेंशन
मे भी हमारी जो है वो क्राइओप्रेसी जो है वो आ जाए। अच्छा, उसके बाद पैराग्राफ्स हमने करने हैं बर्नार्ड रसल से, कुछ पैराग्राफ्स हमने करने हैं बर्नार्ड रसल से। और इस साल की जो प्रेसी है 2023 की जो प्रेसी है वो बर्नार्ड रसल का एक एसे है एजुकेशन, एजुकेशन एंड डिसिप्लिन, एजुकेशन एंड डिसिप्लिन एक एसे है, वहां से ये प्रेसी आई। तो इस तरह हम इन सोर्सेज को मैक्सिमम कवर करेंगे ताकि इंशाल्लाह हमारे कुछ ना कुछ, तो पहले भी माशाल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो इस साल भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे। वोकैब के लिए जो हम सोर्सेज इस्तेमाल करेंगे, जीआर की वोकैब की लिस्ट हमने एक्सरसाइजेज की फॉर्म में मैक्सिमम कवर करनी है इंशाल्लाह अजीज। स्पेशल कुछ मैंने वर्ड्स निकाले हुए हैं जो पास्ट पेपर्स में बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं, कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो पास्ट पेपर्स में, और वो उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेपिटेशन बहुत ज्यादा है। सो दैट इज व्हाई आई हैव एक्सट्रैक्टेड सर्टेन वर्ड्स जो कि लाजमी आपको कवर कराने हैं, कि मैक्सिमम जिसमें से इंशाल्लाह वर्ड्स लग जाएंगे जो पास्ट सीएसएस के, पीएमएस के, पीपीएससी और एफपीएससी के एग्जाम्स के डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं। सो दैट उससे भी आपके मजीद बेस जो है वो इंशाल्लाह कंसोलिडेट हो जाए। और वो कैब एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी अरिथमेटिक वैल्यू को, आपकी नंबर गेम्स को इंक्रीज करती है। सो प्लस वो कैब का ये बेनिफिट है कि आपको पेशी में भी हेल्प आउट करती है, कॉम्प्रिहेंशन में भी हेल्प आउट करती है। एंड वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि वो कैब वो वाहिद चीज़ है जो कि आपकी उन चीज़ों में से एक है जो कि आपकी राइटिंग की बेस के तौर पे काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने इडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स और प्रेपोजिशंस के लिए हमने पास्ट सीएसएस, एफपीएस, पीपीएससी और पीएमएस के पेपर्स को हमने बेस बनाना है, क्योंकि पास्ट वाले पेपर्स में बहुत सारी चीजें रिपीट होती हैं, तो सबसे पहले उनको करना चाहिए। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश एक बहुत आला बुक है, यहाँ से मैक्सिमम ये चीजें आती हैं, प्रेपोजिशंस, पेयर ऑफ वर्ड्स और इडियम्स मैक्सिमम यहाँ से आते हैं। और टू द पॉइंट बुक भी एक बहुत अच्छा रेफरेंस है, ये तमाम चीजें मैक्सिमम इन बुक से आती हैं और पास्ट पेपर्स में से आती हैं, तो इन चीजों को हम रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। पहला हमारा थोड़ी सी ब्रेक ऑफ क्लासेस देख लेते हैं। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा प्रेसी। हमने पहले तमाम चीजें छोड़ के अपनी फोकस को और अपनी कॉन्सेंट्रेशन को सिर्फ प्रेसी के ऊपर मरकूज कर। थर्सडे को हमारा लेक्चर होगा प्रेसी पे, यानी कि 16 फेब को इंशाल्लाह ये स्टार्ट होगा। 16 फेब को थर्सडे को लेक्चर होगा, फ्राइडे को प्रेसी के ऊपर दोबारा लेक्चर होगा, जिसमें हम डिटेल में प्रेसी के रूल्स, प्रेसी की साख, प्रेसीज की फॉर्मुलेशन, प्रेसीज का पर्पस, इसका हिडन मैसेज और इसका पूरा मेथडोलॉजी बड़ी डिटेल्ड, बड़े 2 घंटे के कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे। सेम एक्सरसाइज हम रिपीट करेंगे, सेम हम एक्सरसाइज तो दूसरी होगी, सेम फंक्शन हम रिपीट करेंगे फ्राइडे वाले दिन। तो पहले 2 दिन हमने डिफरेंट डिफिकल्ट प्रेसीज करनी है ताकि स्टूडेंट्स को मुकम्मल तौर पे इधराक हो जाए कि प्रेसी बेसिकली होती क्या चीज है। सैटरडे को स्टूडेंट्स विल सॉल्व द प्रेसीज, आई विल असाइन द प्रेसीज, बच्चे सॉल्व करके आएंगे, क्लास के अंदर उसकी इवेल्यूशन होगी और उसके बाद लेक्चर होगा प्रेसीज के ऊपर। सो पहले 3 लेक्चर्स तो हमारे सिर्फ प्रेसीज पे जाएंगे कि जिसमें आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रेसी क्या है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे सैटरडे वाले दिन। टारगेट नंबर 2 हमारा होगा कॉम्प्रिहेंशन। अब प्रेसी की ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रैक्टिस खत्म हो गई है, आने वाले डेज में मजीद इसकी प्रैक्टिस होगी जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सेकंड हमारा टारगेट है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स इसको कंसिडर करते हैं निगलेक्टेड एरिया, कि यूजली वी गिव अ लॉट ऑफ फोकस टू द प्रेसीज जो कि हमारे फेलियर की कॉज बनती है। कॉम्प्रिहेंशन को भी हमने इक्वल ड्यू एम्फोसिस देना है। थर्सडे को हमारा लेक्चर होगा, डिटेल्ड लेक्चर कॉम्प्रिहेंशन पे, इसके रूल्स, इसकी मेथडोलॉजी, इसके स्टेप्स, इसकी तमाम चीजें हमने अंडरस्टैंड करनी है कि व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन। फ्राइडे को भी इस तरह लेक्चर होगा कॉम्प्रिहेंशन पे, जिसको आप मजीद अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन क्या है। सैटरडे को स्टूडेंट्स विल सॉल्व द कॉम्प्रिहेंशन, आई विल असाइन द कॉम्प्रिहेंशन, तो स्टूडेंट्स उसको सॉल्व करेंगे, क्लास के अंदर ही इवैल्यूएशन होगी और इवैल्यूएशन के बाद आई विल गिव द लेक्चर, डिटेल्ड लेक्चर ऑन दैट कॉम्प्रिहेंशन जो बच्चे सॉल्व करते हैं ताकि। सो पहले हमारे 2 टारगेट्स हैं कि कॉम्प्रिहेंशन की और प्रेसीज की बेस सेट करना। उसके बाद हम एक सीक्वेंस में आ जाएंगे। हर थर्सडे को टेस्ट होगा प्रेसी का और उसकी चेकिंग होगी प्रेसीज।
सोर्सेज क्या क्या होंगे वो मैंने आपको पहले बता दिया कि रेनन मार्टिन, आर डिलन, इंडियन सिविल सर्विसेज और पास्ट पेपर्स। हर फ्राइडे को टेस्ट होगा और चेकिंग होगी कॉम्प्रिहेंशन की, यानी कि हर थर्सडे को बच्चे प्रेसी में असाइन करूंगा, करके आएंगे, क्लास के अंदर इवेल्युएशन होगी और डिस्कशन होगी। हर फ्राइडे को कॉम्प्रिहेंशन असाइन होगी, बच्चे करके आएंगे, क्लास के अंदर डिस्कशन होगी और चेकिंग होगी। हर सैटरडे को लेक्चर होगा और लेक्चर में हमने ये तमाम चीज़ें कवर करनी है, करेक्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन, एक्टिव वाइज, स्पेस वाइज, स्पेशली पीएमएस के परस्पेक्टिव के हवाले से कि हम करेक्शन भी कवर करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये वन बाय वन हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो यानी कि ये हमारा फिर एक सीक्वेंस चलता रहेगा फॉर होल मंथ, पूरा एक महीना हमारा सीक्वेंस चलता रहेगा कि जिसमें समझ लेंगे आप डेली मॉक्स होंगे इन चीज़ों के दो के, और हर सैटरडे को लेक्चर होगा इन चीज़ों के ऊपर। अच्छा, लास्ट सिक्स लेक्चर्स हैं जो है वो कंप्लीट मॉक्स के बेस में, लास्ट सिक्स लेक्चर्स में सिर्फ और सिर्फ मॉक्स होंगे। मॉक्स में क्या होगा, हर थर्सडे को ईडियम्स का, वो कैप का, प्रपोजिशंस का और ट्रांसलेशन का टेस्ट होगा। ये मैं आपको सोर्सेज पहले शेयर कर दूंगा, उनमें से आपने खुद कवर करने होंगे स्टूडेंट्स ने, और मैं आपको टेस्ट बना के दूंगा जिसको बच्चे करके आएंगे और क्लास के अंदर उसकी इवेल्युएशन होगी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स की जूम के जरिए इवेल्युएशन होगी, फिजिकल स्टूडेंट्स की जो हमारा सेटअप है वहां पे इवेल्युएशन होगी, जो फिजिकल सेटअप है। तो आखिर में मैं एड्रेस भी बता दूंगा उस फिजिकल सेटअप का। इसी तरह फ्राइडे को दोबारा टेस्ट होगा जिसमें हम ईडियम्स, वोकैब, प्रपोजिशंस, ट्रांसलेशंस, सैटरडे को ईडियम्स, वोकैब, प्रपोजिशन, ट्रांसलेशंस। इसी तरह हम नेक्स्ट वीक भी यही एक्सरसाइजेस, यही फंक्शंस हम रेप्लिकेट करेंगे, ये ईडियम्स, वोकैब, प्रपोजिशंस, ट्रांसलेशन, ईडियम्स, वोकैब, प्रपोजिशंस, ट्रांसलेशंस, ईडियम्स, वोकैब, प्रपोजिशंस। यानी कि पहला वीक भी हमारा जो होगा लास्ट सिक्स लेक्चर्स में, पहले तीन लेक्चर सिर्फ आपकी वोकैब, आपके टेस्ट होंगे, और दूसरे जो वीक होगा उसमें भी टेस्ट होगा। तो ये मैक्सिमम जो मैंने आपको सोर्सेज बताए हैं वोकैब के, ईडियम्स के, प्रपोजिशंस के, जो भी मैं आपको थोड़ी देर पहले सोर्सेज बता के आया हूँ, वहां से ये आपको टेस्ट बनाया हुआ होगा, वहां से उस टेस्ट को आप सॉल्व करेंगे, क्लास के अंदर चेकिंग होगी। तो ये सीक्वेंस है। ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो जूम के जरिए होंगी, और जो फिजिकल क्लासेस हैं तो इसका जो फिजिकल हमारा जो सेटअप है वो लाहौर का जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट लाहौर, यानी कि ये गवर्नमेंट कॉलेज की बैक साइड पे ये एरिया हो जाता है आपका, जो है ये जो जैन मंदिर है, जैन मंदिर के बिल्कुल करीब है वॉकिंग डिस्टेंस। तो फिजिकल क्लासेस भी होंगी, ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी, बहुत ही केयरफुल अंदाज में, बहुत ही सिंसियर अंदाज में प्लान किया, जिसमें आपके मैक्सिमम मॉक्स हैं प्रेसीज के, कॉम्प्रिहेंशन के और इन तमाम चीज़ों के। सो लुकिंग फॉर अ वेरी वेरी प्रोडक्टिव सेशन। आप तमाम के लिए बेस्ट विशेज हैं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।